रिएक्शंस फिल्म के काफ़ी पॉजिटिव हैं एंड इनफैक्ट इट्स मूविंग ऑन टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स दैट पंजाबी सिनेमा हैज एवर सीन एंड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ लव एंड तो बहुत बहुत प्रेम सराहना बहुत बहुत सारी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेंसी है फिल्म के आजू बाजू और जब अक्सर आप देखते हैं कि मतलब यू नो कभी काम को लेकर के कभी किसी और वजह को लेकर के आदमी अपना देश छोड़ करके एक पराया देश जाता है लेकिन जब उसकी मिट्टी उसको वापस बुलाती है तो बेशक अंग्रेज बन के आता है बट वो उसका जो नाता उसकी मिट्टी के साथ होता है वो और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है सो अंग्रेज इज सिम्बॉलिक ऑफ दैट बेसिकली वो हर उस इंसान की कहानी है जो इस मिट्टी से जुड़ा होकर भी उसको बाहर जाना पड़ता है और फिर जब मिट्टी उसको खींच करके लाती है तो उसको अंग्रेज बुलाते हैं यहाँ इस मिट्टी के लोग लेकिन असल में और ज़्यादा हिंदुस्तानी बन के लौटता है इट्स अ रोमांटिक स्टोरी रोमांटिक लव स्टोरी है जो 1940s में बेस्ड है एंड जो मेरा किरदार है इट्स अ लव ट्राइंगल आई थिंक सारी लव स्टोरीज एक जैसी होती हैं इट्स जस्ट द ट्रीटमेंट दैट मेक्स इट वेरी स्पेशल एंड आई थिंक दैट द पंजाबीज एंड द एंड एवरीबडी हु इज वॉचिंग इट इज लविंग इट फॉर द कल्चर दैट इट हैज़ फॉर द songs that it has for what you actually see in the film aapko aise genuinely people think that they've traveled back to the 1940s and I think it's the magic of the director the DOP and the script writer and everybody's performance that has made this come through like it has yaar abhi ye sirf second hafta shuru hua hai film ka and the kind of reviews that we're getting is heartwarming matlab actually उस पॉइंट से जहाँ मुझे पता ही नहीं था कि मैं कभी फिल्म करूँगी टू अ पॉइंट जहाँ मैं एक पंजाबी फिल्म कर रही हूँ टू अ पॉइंट जहाँ वो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स एक सुपर हिट हो गई है एंड यू नो मुझे हर रोज़ हमारे ग्रुप पे आता है कनाडा में नंबर वन है या यूके में नंबर वन है आई कीप टेलिंग अभी ऐसे कैसे हो गया मैंने तो ऐसे ही कर ली थी यू नो हाउ डज दिस कम अबाउट तो आई थिंक आई डोंट नो कि अब आगे क्या ये कैसे ये क्यों सो इट्स जस्ट a very big moment for me and I'm still taking it in maza aa gaya hum haste rahe comedy thi sargun thi hamari bhabhi ji thi to bahut maza aaya aur sabse zyada khushi hai ravi ke liye ravi actually sabse zyada khush ravi hai ha main hi hu matlab bahut bahut acha in fact mujhe lagta hai ki pehli bar aisa hai ki gaon ka jo setup hai usme आप कॉमेडी भी है ड्रामा भी है गाने भी है बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है आई थिंक द वे दे हैव पिक्चराइज्ड इट इट्स सो गुड आई मीन द कॉस्ट्यूम द कैरेक्टराइजेशन द कास्टिंग एवरीथिंग इट्स एन आउट एंड आउट पैसा वसूल फिल्म आई फील एंड आई एम सो हैप्पी फॉर सरगुन दैट शी इज़ अ पार्ट ऑफ द फिल्म एंड इट्स अ डेब्यू एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस बिकॉज This is a great way to make a debut in the market and I think she has done a great job in the film.